अभी जैसे कि मैं एक परसेंट नहीं सोई हूँ, तैयार होने का भी बिल्कुल भी मूड नहीं है, जाकर देखते क्या पक रहा है। मैंने पिछले साल आप सबसे शेयर की थी, मैं घबराहट शुरू हो गई। वाव क्या भाई भारी है यार, मानी ईद मुबारक। दादा मौलवी साहब को जल्दी नमाज करवाएं, आप भी सीधी लेंगे। ओ सौ की गड्डी। अस्सलाम वालेकुम। कर दूंगी जब मैं तैयार होंगी जी। सब वापस करें, सबको 500 मिलेगी। 500 की गड्डी मिलेगी। ये मेरी नहीं वापस आएगी। मोबाइल फ्रॉम माय चार्जर। एक हसीना उठ चुकी थी और घर में मेहमान आ गए थे अचानक, मुझे उनको ईदी देनी है। आया हो या ना आया हो, क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। ऐसे करते हैं, किसी का हाथ मिल जाए और उसके हाथ में मेहंदी लगाए। खुद का हाथ बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकती है वो स्पेशल चीज, इस खूबसूरत मेहंदी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी एप्रिका काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहला दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जैसे कि मैं एक परसेंट नहीं सोई हूँ, रात से जाग रही हूँ। रात में इवेंट था, उसका व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। तो अब ये मैं स्पेशल ईद का फर्स्ट डे व्लॉग आप सबके लिए लेके आई हूँ। और अभी क्या क्या सीन चल रहे हैं, क्या होगा आगे आगे, वो सब आप लोग व्लॉग में देखोगे। तो फुल व्लॉग जरूर देखना है और उम्मीद है कि आप सबका पहला दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा मेरे व्लॉग के साथ। जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा एंटरटेन करती रहती हूँ, आप लोग बहुत सारा प्यार दिखाते, तो इस दफा भी बहुत सारा प्यार बरसाना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तैयार होने का भी बिल्कुल भी मूड नहीं है, बिकॉज सोए भी नहीं है अभी। बस ऐसी ही बाबा भाई वगैरह नमाज पढ़ के आ जाए, उन सबसे ईदी मिलेंगे। अभी किचन में मम्मा और मैं पका रहे हैं कुछ, तो जाकर देखते क्या पक रहा है। गरम शीर खोरमा तैयार हो चुका है, जिसकी रेसिपी मैंने पिछले साल आप सबसे शेयर की थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्रीन कढ़ाई, वैसे तो व्हाइट कढ़ाई मैं मोस्टली बनाती हूँ, इस दफा मैंने सोचा ग्रीन कढ़ाई बनाते हैं। तो ये ग्रीन कढ़ाई अभी इन प्रोसेस है, अभी थोड़ा सा पानी है, हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और बाकी बाबा भैया वगैरह भी नमाज पढ़ने गए हुए हैं, जैसे ही वो आएंगे तो फिर हम उनसे मुलाकात करेंगे। अम्मा नाश्ता करेंगे? शीर खोरमा खाएंगे, बिकॉज शीर खोरमा जो होती है वो स्पेशलिटी होती है और मेरे ख्याल से हर घर में बनती है। तो हमारे घर में शीर खोरमा तैयार हो चुका है, हमने एक फ्रीजर में भी रख दिया, तो जैसे ही लोग आएंगे हम उनको शीर खोरमा देंगे। गर्मा गर्म ग्रीन कढ़ाई इज रेडी। तो फाइनली हमारी ग्रीन कढ़ाई तैयार हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ एसी में। गाइस बहुत घबराहट शुरू हो गई। उफ, मेरे रूम में न्यू कर्टन्स भी लगे हैं। वाव क्या वाइब आ रही है यार, मजा आ गया देखकर। धूप भी आ रही है। हमारा ब्यूटीफुल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाव सूरज भी है, मजे कहाँ आ रहे हैं यार। वीडियो बड़ी अच्छी बनेगी यहाँ पे। खैर अभी तो सोना ही है। जहाँ पे मम्मा ने कहा कि और क्या चीज बनाई जाए, तो मम्मा बना रही हैं कचरी कीमा, जो कि मम्मा का मोस्ट स्पेशल कचरी कीमा होता है। जब ईद वाले दिन बहुत सालों से हमारे घर में कचरी कीमा बनता हुआ आ रहा है। मम्मा ने कचरी कीमा भी चढ़ा दिया है, ये भी इन प्रोसेस है, आप लोग को दिखा देते हैं। ये गल रहा है, पिक्चर बनवाते हुए। तीन दफा मिलते हैं, तीन दफा मिलते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक चुन्नी, ईद मुबारक गुस्सा। चलो ईदी लाओ, ईदी ईदी लाओगे तुम लाओगे। मैंने देखा कि सबको मैंने कटा हुआ लिया है। बोला था मौलवी साहब को जल्दी नमाज करवाएं, आप भी से ईदी लेंगे। मेरा बेटा, मेरा पालश है बेटा। गाइस आप लोगों को पता है बचपन में बाबा बलून हमेशा से लेते हुए आ रहे हैं हमारे लिए, और हम इसके साथ पिक्चर्स बनवाते थे तैयार होके। अब यहाँ पे हो रही है ईदी डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट महीर को और उजैम को हो। उजैम तो मैं और महीर को ज्यादा एक्साइटमेंट है ना। गद्दी मेरे। चले अब बाबा देंगे सबको ईदी। सबसे पहले भैया की, चलो। ओ सौ की गड्डी।
अस्सलाम वालेकुम। 100 की कट्टी मही का 20 कट्टी देगा। मही हाथ आगे बढ़ा रहा था। चले मम्मा को भी 100 की कट्टी और इन लोगों को क्या मिलेगी, बाबा इनको 20-20 वाली दे दे। 50 की। वाओ। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, मानी की खुशी तो देखा मेरा गुड्डा प्यारा सा। मैं तो उसे गिनने बैठूंगा अभी। यस, मुझे तुम्हें मुझसे कितनी इन्हें चाहिए? 5,000 रुपए। पूरे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? मेरे लिए 5,000 रुपए। आपको भी 5,000 रुपए चाहिए आगे से? और तुम्हें? उससे 5,000 रुपए। अच्छा अच्छा, तुम्हें कितनी चाहिए थी? 5,000। मुझसे 5,000। क्या हो रहा है, हमारी हम सारी ले लेंगे। 10,000 में ले ली। फिट्टो कर दूँ। 7,000 मुझे देना। 5,000 दे दी। ऐसे में भी तो 11,000 का मुझे भी 11,000 रुपए थे। वाह भाई वाह। मैंने डिसाइड किया है कि मही, उज़ैम, जरीर को ईदी मैं उठ कर दूंगी जब मैं तैयार होंगी प्रॉपर ईदी के लिए, तब दूंगी। जितने भी दूँ सरप्राइज। चुप हो जाए आप। चलो ये अभी हम रख देते हैं, फिर मिलते हैं जी। सब वापस करें, सबको 500 मिलेगी। 500 की गड्डी मिलेगी। चलो वापस करो, ये मेरी नहीं वापस आएगी। कर भी रहे वापस। मोबाइल फ्रॉम माय चार्जर टू गाइस। देखिए कितना सस्ता वर्क है, मेरा चार्जर तैयार हो चुका है ईद के लिए। वाओ नाइस, चार्ज लगा लेते हैं। अब मिलते हैं सो के उठने के बाद। हेलो। सो गाइस, पहले मैंने सोचा था कि मैं फोन चार्ज लगा के सो जाऊंगी, लेकिन सोचा कि चलो शावर ले लेते हैं, बिकॉज कर शावर लेंगे तो बहुत लंबी होगी, बाल ड्राई करो फिर उसके बाद कर्लर करो, सारी चीज़ें। तो फिर मैंने बोला शावर लेके सो जाती हूँ ताकि सुबह तक बाल सूखे में हो तो हम इजीली हेयर स्टाइलिंग कर सकें। अब मैं सुकून से सोऊंगी, तो उठकर आप लोगों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं तो अभी सो के उठी हूँ, लेकिन एक हसीना उठ चुकी थी और तैयार भी हो चुकी हैं, और मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। हसीना अम्मा, मम्मा तैयार होकर भी काम कर रही है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अभी तुम तो तैयार ही नहीं हुई, मैं तो तैयार होकर अभी आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। अम्मा ऐसा लगे नई नवेली जो वो होती है, जिसकी नई नई शादी होती है, वो रूप आया हुआ। ये रबी का ये काम है, कह रही थी मम्मा पहले दिन ये। तो मम्मा ये एक मतलब ऑब्वियसली जो ब्रांड की रिक्वायरमेंट थी, हमने तो वो फुलफिल की है ना। हाँ। खैर हमारी तो ईद अच्छी बन गई। प्यारी प्यारी बन गई आपकी पिक्चर स्नैप्स। हाँ, बन गई। स्नैप नहीं बनी अभी। आपके शौहर ने आपको ईद दे दी? सुबह ही दे दी। इस रूप में नहीं देखा ना। अब आप बैठ ही रहे, बाबा जब उठेंगे तब आपको देखेंगे। अब वो देर से सोए थे इसलिए मैं अभी चेंज कर लूंगी। चले मम्मा की पिक्चर्स एंड वीडियोस हो गए हैं तो मम्मा चेंज करेंगी और मैं भी तैयार होंगी थोड़ी देर में। ईद मुबारक गाइस, और मैं फुली रेडी हो चुकी हूँ। जैसे कि मैंने ईद का पहले दिन का शूट करवा लिया था, तो ये मैंने अपना कैजुअल सा एक ड्रेस रखा था जो कि मैं यू नो घर में पहनूंगी दावतों में, लाइट लाइट ड्रेसेस। तो खैर अभी घर में मेहमान आ गए थे अचानक, तो मैं फौरन गई हूँ स्पीड से, और मैंने जल्दी मेकअप किया, जल्दी कपड़े पहने, और बस फिर मैंने सलाम दुआ किए, और यहाँ पे उज़ैम जो वो टेबल लगा रहे हैं, मेरा खाना भी आधा अधूरा रह गया क्योंकि उस वक्त मैं खाना खा रही थी। खैर अभी यहाँ पर जो है वो नाश्ता लग रहा है क्योंकि मेहमान आए हैं, तो जल्दी से टेबल लगा रहे थे। मैंने मम्मा डांटेंगी कि तुम गायब हो गई थी। चलो गाइस, मेरे चाचू आए हुए हैं मुल्तान से, तो उनके बच्चे आए हुए थे, तो मुझे उनको ईदी देनी है, तो अब मैं ईदी डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। मही आपको चाहिए ना? महीर को भी मैं अभी ईदी दूंगी, क्योंकि मैंने कहा था तैयार उनके बाद दूंगी, पहले मैं उनको देती हूँ फिर इन लोगों को दूंगी। गाइस कोई आया हो या ना आया हो, मेरी फूफू का बेटा आ गया है। हेलो। हम पहले दिन आज कहीं नहीं गए हैं, मेरे ख्याल से पिछले साल भी कहीं नहीं गई थी। मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मैं तो घर में ही थी, ये लोग गए थे। मामू के घर जाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया। कल मुझे अपने दूसरे मामू के घर जाना है, तो कल का दिन बहुत ज्यादा मजेदार होगा, लेकिन आज हम कोई शुगर लगा लेंगे। क्या भाई? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईदी तो दो, कितनी चाहिए? ईदी दो यार, ईदी का अब मैं मांगूंगी तो फायदा क्या है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी दो, बेशक 50 रुपए तब भी खाए। चलो यार देख लो, मैं कैमरा बंद होने के बाद दूंगी नहीं। थैंक यू यार। नहीं चलो यार, दे दिए यार, खुश रहो हमेशा, क्योंकि अब 6 महीने तो मुझसे बड़े हो, तो अब इतना तो बनता है ना। मेरी एक कजन है जो मुझसे सिर्फ और सिर्फ 1 महीना छोटी है, और वो मुझसे फरमाइशी करती है मुझे ईदी में ये भी दो, मुझे ईदी में वो भी दो, लेकिन मैं लकी हूँ कि मैं 6 महीने से छोटी हूँ, तो ये मुझे ईदी दे रहा है। थैंक यू। वापस दो।
गाइस मेहमान वगैरह जो थे वो चले गए हैं और मम्मा ने भी ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि मम्मा को बहुत सारे काम करने थे। जैसे कि आप सबको पता है सारी औरतों को जो है वो घर में शीरखुरमा बनाता है, खाना बनाना होता है, फिर मेहमान आ रहे होते हैं उनको सर्व करना होता है, तो बड़े मतलब अलग सीन होते हैं। मम्मा सारे कामों में लगी हुई थी। यहाँ पे इन लोगों की पिक्चर्स हो रही हैं, फजूल के नाटक शुरू हुए हुए हैं, वहाँ उनकी पिक्चर्स हो रही हैं और मैं यहाँ पे खा रही हूँ स्पैगेटी। दिवाली दिन और शिली से मैं एक सवाल पूछूंगा, देखना वो कैसे जवाब देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह, ईद मुबारक बोलो। हे शिली, ईद मुबारक। हैप्पी रमजान बोले। चलो अभी मही की वीडियो अपलोड करते, फिर मही को ईद दूंगी, सही है? ओके। गाइज मैं सो गई थी और अभी अभी उठी हूँ, मतलब थोड़ी देर के लिए आँख लगी थी और अभी मामा ने उठाया कि मामू आ रहे हैं कि उठ जाओ। तो मैंने कहा जल्दी से उठ जाते हैं और फिर पता नहीं इतनी ज़्यादा सुस्ती क्यों नहीं, मतलब कहीं इंसान को जाना नहीं होता ना तो बहुत ज़्यादा सुस्ती होने लगती है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? और ये भी ज़रूर बताना कि आप लोग का पहला दिन ईद का बोरिंग गुजरा या आप लोग दावत पे गए या मज़ा आया, सारी चीज़ें मुझे बताना, मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी। खैर मामू से जाके मिलते हैं। प्लीज़, मैं अभी रूम में सबको ईदी देने आ रही थी, पता नहीं कैसे मेरी गलती से आँख लग गई। ओ गॉड, आज मुझे तो सिर्फ बाबा मामू और चाचू की तरफ से ईदी मिली है और ईदी नहीं मिली है। यार आप लोग ईदी क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? आई एम स्टिल मिसिंग मैट बचपन, जो बचपन की ईद होती थी ना। जैसे मैं एक रील भी बनाने वाली हूँ, मैंने एक आइडिया भी सोच लिया है। बचपन में ईदी आती थी, अब ईदी जाती है। मसला उसका नहीं है कि जाती है, मसला इसका है कि वो खुशी, वो खुश इखलाकी, वो मिलजुल के रहना, वो प्यार बांटना, वो इंतज़ार करना, वो आना सलाम करने, ख्याल करना, मीठा खाना, नाश्ते की टेबल पे बैठना, सब साथ बैठे, मतलब उफ़ क्या दिन हुआ करते थे। अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं और वक्त के साथ साथ और भी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, हर चीज़ हमेशा सेम नहीं रहती है। तो खैर बचपन था, बहुत हसीन दिन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग आज भी सब कुछ बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ताला का लाख 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 शुक्र है। अब आप लोग मुझे बताना कि आप लोग की ईद कैसे मनती है। बैठे बैठे मैंने एक चीज़ सोची कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो अब वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का है कि मेरे पास है ये काशीस की मेहंदी और मैंने सोचा कि कुछ इस तरह से करते हैं, किसी का हाथ मिल जाए और उसके हाथ में हम मेहंदी लगाएं, क्योंकि मैं अपना खुद का हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकती। तो अब मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आई है, लेट मी शो यू। है वो स्पेशल चीज़, ये आप लोग देख सकते हैं, ये स्टिकर वाली मेहंदी। अब हम इसको इसकी मदद से इसमें हम करेंगे कलरिंग, जो हम करते थे बचपन में। अब देखते हैं कि कैसा निकल के आता है। आई होप कि अच्छा ही आए, अगर गंदा है तो पूरे हाथ ख़राब हो जाएंगे। तो देखते रहिए आप लोग। अब हमने इसकी सही से प्लेसमेंट कर दी और अब ये लग भी प्रॉपर रही है। अब हम इस पर अच्छे से फेसिंग करेंगे। गाइज यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से स्टिकर्स पर मेहंदी लग चुकी है। अब बस इंतज़ार है फाइनल रिजल्ट्स का, और रिजल्ट्स हमें तभी मिलेंगे जब ये पूरी मेहंदी सूख जाएगी अच्छे तरीके से। इसका यही असल टास्क होता है कि जब मेहंदी सूखे तब आप स्टिकर रिमूव करें, अगर आप लोग पहले कर देंगे तो पूरी फैल जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये पूरी सूखने के बाद कैसी लगती है, क्या पता हमारी मेहनत रंग ले आए। यहाँ पे महीर जो है वो इतनी क्यूट एक्टिंग कर रहा है एंड आई रियली वॉन्ट टू शो यू गाइज टू। दिखाओ इस खूबसूरत मेहंदी लग चुकी है टना, और ये देख सकते हैं कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट जो था वो बिल्कुल कामयाब हो चुका है। थोड़ी सी इक्का दुक्का ऐसी हो गई क्योंकि वो गीली हो रही थी, लेकिन बाकी बिल्कुल अच्छी आई, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। थैंक गॉड, मुझे डर ही लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हाथ ही खराब हो जाए, लेकिन कामयाब हो गया। सो गाइज अब मैं ये ईद के फर्स्ट डे व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। जल्दी जाके लाइक कॉमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा प्यार बरसाओ और कमेंट्स में जरूर बताना कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी। तो बस आज का दिन मेरा बहुत ज्यादा बोरिंग था, मैंने खैर अपने इस दिन को खुद ही इंटरेस्टिंग बना लिया। तो अब हमें कल जाने दावत पे, तो उसका व्लॉग आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और ऊपर से एक और चीज,
सुबह ये जब व्लॉग अपलोड हो जाएगा उससे पहले म्यूजिक वीडियो आ जाएगी। हाँ तो म्यूजिक वीडियो आ रही है हुसैन की और मेरी साथ में जिसका नाम है मेकअप और वो सुबह हो रही है 11 बजे रिलीज पाकिस्तान के 11 बजे इंडिया के 11:30। तो अब आप लोगों को उस पर भी प्यार बरसाना है। अब मैं देखना चाहती हूँ जो फैंस हमेशा कहते थे बीका हुसैन का साथ में सॉन्ग चाहिए आप लोग हमेशा हमें यू नो धोखा दे देते हैं सब इस तरह से कह रहे होते हैं तो अब मैं देखती हूँ कि लोग कितना ज्यादा प्यार बरसाते हैं। मुझे इस चीज का बहुत इंतजार है और मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करते हो। खैर बहुत सारा प्यार बरसाना आप लोगों के अच्छे से अच्छे से अच्छे रिस्पांस का मुझे इंतजार रहेगा मेरी म्यूजिक वीडियो पे मेरे चैनल पर। सो यस दुआ में याद रखो ईद को एंजॉय करो इस सरप्राइज के साथ। सो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।